हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का नए ब्लॉग्स वीडियो में। और इस ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सबों को दिखाने वाला हूं लतोना मिशन में जो प्रत्येक वर्ष लगता है मिशन रविवार मेला, और इसमें लगता है आप लोगों को प्रवेश शुल्क 2 रुपये। मेन गेट पे जो गेटकी होगा उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ देखिए अंदर की ओर हम लोग जा रहे हैं, मिशन मेला लतोना त्रिवेणीगंज सुपौल बिहार। और ये काफ़ी अच्छे और बड़े स्कूल विद्यालय जाने जाते हैं। यहाँ पे चर्च भी होते हैं और गिरजाघर भी हैं, सारा दिखाऊंगा। ये मेन गेट के अंदर देख रहे हैं 2 गेटकी बैठा हुआ है जो 2 रुपये टिकट लेता है और उसके हाथ में टिकट है। और सारा सामान क्या क्या यहाँ पे मिलता है उसको भी दिखाऊंगा। और वो जो देख रहे हैं बड़े कुर्ते में उजले वाले पैंट शर्ट जो पजामा पहने हुए हैं, ये हो गए मेन फादर यहाँ का, इस मिशन का और चर्च का जो मेन फादर जी हैं। उसके बगल में देख रहे हैं 2 टीचर जो मतलब आप लोगों को अंदर आ चुके हैं, उसके लिए जो खेला होता है यहाँ पर खेल खिलाया जाता है उसके लिए आपको 5 रुपये और 10 रुपये का टिकट लगता है। कौन सा खेल आप लोगों को खेलना है उसके लिए यहाँ पे 5 और 10 का टिकट मिलता है। जितने प्रकार का यहाँ पे खेल खेलिएगा तो एक खेल के लिए आपको 5 या 10 रुपये का टिकट लगता है। तो सबसे प्रथम हम चलते हैं मिशन के दाहिने रोह में, दिखाते हैं पूरा लाइन से सजाया हुआ इस मेला का दृश्य। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, ये मेला एक नए तरीका से लगाया गया है। इस मेला को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या करता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं आप लोग एक डोलची टाइप जो तरजू तराजू टाइप जो बनाते हैं उसमें बच्चे खिलाया जाता है। यहाँ पे जो बोलता है कि मछली फंसाइए मछली फंसाइए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कुछ आप लोगों को पानी पूरी बैलून के अंतर्गत दिया जाता है और सभी को खिलाया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक सेकंड फादर जो है वहाँ पे खड़े हैं और सभी ले रहे हैं। और यहाँ पे शायद पेंटिंग डिजाइनिंग के बारे में बताया जाता है और उस चीज़ को दिखाया जाता है किस तरह से कैसे क्या करना है। कुछ फ़ोटो भी यहाँ पे मिलता है, सब देख रहे हैं आप लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा खेल है जिसमें ग्लास के ऊपर ग्लास रखा जाता है और दूर से आपको वार करने के लिए बोला जाता है। जब वो गिरता है तो एक बार नहीं आपको 3 बार चांस दिया जाता है। 3 बार में अगर आपका लग गया तो उसमें आपको कुछ कूपन मिलता है, उससे इनाम दिया जाता है। यहाँ पे चाउमीन जूस बरगद मिलता है जिसका रेट भी आप जानते हैं, चाउमीन का 10 रुपये है। और यहाँ पे कुछ खेला इस तरह खिलाया जाता है, देख रहे हैं जो होता है फुटबॉल, उससे हाथ से उसको फेंकते हैं और वहाँ पे जो ग्लास कप के ऊपर ग्लास दिया जाता है उसको गिराने का प्रयास किया जाता है। अगर एक गोल आपको 3 चांस दिया जाता है, अगर तीनों में लग गया तो 3 कूपन मिलेगा और तीनों कूपन में जो जो इनाम होगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ का एक बहुत ही बेहतरीन खेल है जिस खेल को हम दिखाएँगे। यहाँ जो डायरेक्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं और देख रहे हैं ये टीचर खेल के अभी जा रहे हैं, इसके हाथ में कड़ी है और 5 रुपये टिकट लेने के बाद इसे 3 चांस देने के बाद 3 कड़ी उसको दिया जाता है। और 3 कड़ी में जो सामान जाता है जो किसी एक दूसरे के पास फंस जाता है गोलाकार में, वो सामान उसका हो गया जो यहाँ पे खेलते हैं। तो काफ़ी अच्छे आप लोगों को यहाँ पे मेला दिखाया जा रहा है, जो शानदार सा मेला है आप लोगों के बीच डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं किस तरह से। और ये शानदार सा मेला है जो इसी वर्ष लगाया गया है और ये मेला अब प्रत्येक वर्ष लतोना मिशन रविवार का मेला है जो लगेगा। और इसके बाद आप लोगों को आने वाला एक मेला और है जो 25 आपको दिसंबर को लगाया जाता है, जो कि शानदार मेला लगाया था। और ये जो देख रहे हैं गर्ल्स वो सभी को बॉक्स उठा उठा के देते हैं और खेलते हैं, देख रहे हैं सारा कुछ है बैठाया गया है जिसमें आपका फंस गया वो घिरनी की तरह छर से बना हुआ है तो वो आपका सामान हो गया और कूपन मिलेगा, वो एक्स्ट्रा चीज़ है आपका। तो चलते हैं आगे
और इसके आगे दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस हैं आप लोगों के लिए। ये शानदार सा जगह है और जो कि मिशन बहुत ही जाने माने पवित्र हृदय के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे 10+2 तक की पढ़ाई भी होती है। और यह लतोना मिशन आने का जो सुविधा है, आपको ईदगाह चौक होते हुए, फौजी कैंप होते हुए, आप लतोना पुल पार करते हुए लतोना मिशन को जा सकते हैं। उधर आप मेन रूट से एक नहर आता है, उस नहर से भी आप लोग आ सकते हैं। और मेन मार्केट होते आप लोगों को जुगल चौक होते हुए, बंसी चौक होते हुए, आप पुराने पेट्रोल से भी आ सकते हैं और बंसी चौक होते हुए आ सकते हैं, और जनता रोड भी आप लोग आते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। तो फादर देख रहे हैं, 5 रुपये टिकट दे के फादर भी सामान ले रहे हैं, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं जो यहाँ का नियम बनाया गया है। तो सभी देख रहे हैं, यहाँ पे बारी बारी से सभी देखते हैं, सभी कुछ खरीदते हैं खिलौना। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार खेल है, जिस खेल को दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। छोटा सा एक गड्ढा है, उसमें देखिए वो गोल जाके गिर गया, मतलब गेंद जो इसका है फुटबॉल, वो गिर गया, एक गोल हो गया इसका, एक कूपन आ गया, दूसरा में देखिए मिस हो गया। अगर तीसरा चांस से मिस नहीं हुआ तो सिर्फ एक जो हुआ इसे एक ही बार का आपको कूपन मिलेगा, उस कूपन में जो इनाम के तौर पर रहेगा वो उसे दिया जाएगा। देखिए दूर लगने के बाद गेंद ख़त्म हो गया, चांस फिर, अब ये 5 रुपये देगा, फिर ये दोबारा प्रयास करेगा 3 बार ये खेल। और ये मेन फादर्स को भी आप देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे मुआयना कर रहे हैं इस फील्ड का, इस मेला का, ताकि शांतिपूर्वक भाव से इस मेला को लगाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं अगले वर्ष कोरोना के कारण 25 दिसंबर का जो मेला लगता है यहाँ पे नहीं लगा था, इसीलिए इस मेला का उद्घाटन किया गया सभी फादर के द्वारा। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं आगे और ले चलते हैं आपको जहाँ पे चर्च के माध्यम से एक छोटी सी मूर्ति बनाया गया है, जो पहले पुराने ज़माने का बना हुआ है। सभी टीचर देख रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो मेले में आने का तो मज़ा ही कुछ और है, इंटरेस्टेड है। तो आप लोग देखें और धीरे धीरे चलते हैं, किस तरह से यहाँ पे बिछाया गया घास है, शानदार सा जगह भी है। इस चर्च को आप लोग देख लें, जो कि काफ़ी शानदार सा जगह है। और प्रत्येक मिशन में इसी तरह का चर्च है, कहीं ना कहीं इसी से सजावट, कहीं ना कहीं इससे भी अच्छा और ये बेहतरीन सा सजावट है इस चर्च का, देखने लायक है। अगर आपका मन भी आ जाए तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो भी खींच सकते हैं, ये आप लोगों की एक बेहतरीन सी नियम है। देखने के बाद ही आप लोगों को लगेगा कि यहाँ से 2 घंटा हम भूखे यहाँ पे बैठ सकते हैं, देख भी सकते हैं इस चर्च के सामने। और काफ़ी, और ये जो देख रहे हैं आप गिरजाघर हुआ, ये गिरजाघर में छोटे से वहाँ पे एक मूर्ति है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गिरजाघर के अंदर बहुत बड़ा मूर्ति है जो चर्च का बहुत बना बना हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का। तो इसे भी आप लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग धीरे धीरे वापस चलते हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग्स को काफ़ी देख चुके हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर का कुछ दृश्य दिखाऊंगा कि गाड़ी उड़ी काफ़ी लगा हुआ है यहाँ पे मेले के लिए, काफ़ी लोग आते हैं मेले देखने के लिए। वो त्रिवेणीगंज यहाँ पे सभी देख रहे हैं मेले, प्रयास कर रहे हैं जाने का, कोई टिकट लेता है कोई नहीं लेता है, लेकिन टिकट यहाँ अनिवार्य सभी कोई लेता है। जय हिंद, जय भारत।